भैया कल बाबा खुद स्टेज से बोले थे कि जो जहाँ है वहीं से मेरा प्रवचन सुनिए, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, फिर भी लोगों का जमावड़ा कहीं कहीं बढ़ते जा रहा है, क्या कहना? अरे लोगों का प्यार है, लोगों का विश्वास है, जमने दीजिए विश्वास। यही तो लोगों का जलन है कि नेता लोग करोड़ों रुपया खर्च कर देता है तो भी उनकी रैली में इतनी भीड़ नहीं होती, और एक 26 साल के युवा के पीछे पूरा देश पागल है, यही तो कारण है कि लोग इनके खिलाफ में बकर 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 बोले जा रहे हैं। बोलने दीजिए भैया। कहा जाता है कि मोदी जी, योगी जी, शाहरुख खान, सलमान खान, किसी के रेलवे में इतना भीड़ नहीं होता है, देखने के लिए भीड़ नहीं होता है, लेकिन बाबा को देखने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ है, क्या कहना है? देखिए ये खुशी की बात है, लेकिन उम्मीद है बागेश्वर धाम वाले पे कि बाकी जैसे अन्य संतों और बाबाओं का सुनने को मिला है वैसे इनका न सुनने को मिले। ईमानदारी से काम करते रहे, लोगों का विश्वास टूट जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, तो वो बस विश्वास बना रहे, यही उम्मीद है और कुछ खास है। बिहार के ही कुछ नेता इसको ढोंगी बाबा कहते हैं, बेफिजूल की बातें कहते रहते हैं, इसको क्या करना है? वो लोगों को कहेंगे कि तुम लोग एकदम महा चिरकुट हो, अगर ढोंगी बाबा है तो कर लो गिरफ्तार, किस बात का देरी कर रहे हो, समझ रहे किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अगर ढोंगी है तो कीजिए गिरफ्तार, ढोंगी को कहे बाहर घूमने दे रहे हैं, कहे भीड़ लगाने दे रहे हैं, क्यों प्रवचन करने दे रहे हैं? बोलते अंधविश्वास फैला रहे हैं बाबा। अरे तो वो ढोंगे हुआ ना, पाखंडी हुआ ना, करिए गिरफ्तार। हकीकत यह है कि मुंह से कुछ भी बोल दीजिए, वो लोगों का काम है बोलना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोग कहेंगे उनको कहने दीजिए। भैया एक सवाल मनीष कश्यप पे है कि मनीष कश्यप पे NSA लगाना कितना सही और कितना गलत है? देखिए एज अ फैन या एज अ मनीष कश्यप के दोस्त होने के नाते तो हम सीधे कहेंगे कि बिल्कुल ही गलत है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी NSA नहीं हटाया तो फिर अब ये भी कह हम लोग नहीं पाएंगे कि गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही देश का सबसे बड़ा वो संवैधानिक चीज होता है, सबसे बड़ा वो न्यायालय होता है, सबसे बड़ी मूर्ति है न्यायालय की। अब वहीं से अगर पास हो जाएगी NSA नहीं हटाया जाएगा तो बहुत मुश्किल है कह पाना, लेकिन हम मनीष कश्यप का खुद बहुत बड़े फैन है, मनीष कश्यप के साथ रहे हैं, ये चीज हमें पच नहीं रहा है कि सिर्फ फेक खबर फैलाने के नाते आप किसी पे NSA लगा। सर एक सवाल हो रहा है कि लगातार 3-4-5 तारीख सुप्रीम कोर्ट में होने के बाद आखिरी में सुप्रीम कोर्ट बोले कि आप हाईकोर्ट जाइए, ऐसा क्यों हुआ? बहुत मनीष कश्यप के फैन तो इस बात से नाराज है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर मना ही करना था तो पहले तारीख में बोल दिया जाता कि आप हाईकोर्ट जाइए। नहीं, कई सारी सुनवाई होती है और कई सारी सुनवाई के बाद पता चलता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उसी में लेट हुआ। अच्छा मनीष कश्यप के चाहने वालों को क्या कहिएगा? हम यही कहेंगे कि इंतजार कर लीजिए, कितना दिन तक कोई मनीष कश्यप को जेल में रखेगा, इतना बड़ा थोड़े अपराध करके गया है कि आप उसको लाइफ टाइम रख दीजिएगा, कोई कानून ही नहीं है, बहुत रखिएगा तो 1 साल और बहुत पावर लगा दीजिएगा तो इलेक्शन तक, क्योंकि ऐसे भी सबको पता है कि मनीष कश्यप इलेक्शन से अगर पहले आ गए तो खेल तो बिगड़ेगा ही लोगों का, तो खेल न बिगड़े उसके लिए खूब दाव पेच लगा के वो लोग बहुत लंबे समय तक रखेंगे, तो हो सकता है कि चुनाव तक रख ले, चुनाव के बाद बाहर आएगा ना तो फिर जलवा देखिएगा। हेलो, और यहाँ पे बागेश्वर बाबा जी आए हुए हैं और इसी पंडाल में आज अभिनव भैया मिले हैं, कुमार अभिनव भैया, और मनीष कश्यप के ऊपर चर्चा हम करने वाले हैं, और सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल में सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर अभी मनीष कश्यप के ऊपर जो तारीख पे तारीख मिल रहा है इस पे आपका क्या विचार है? देखिए वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की चीजें आपको पता है कि डिले ही होती है, काम धीरे धीरे ही होता है, तो इनके लिए अलग से रूल रेगुलेशन नहीं बनेगा, जैसे होते रहा है वैसे ही होगा, तो धीरे धीरे ही चलेगा। सीधी बात एक बात बताइए सर, मनीष कश्यप ऐसा क्या कर दिए जो कितना दिन उसको जेल में रखा दिया और NSA लगा दिए? देखिए हमारे दृष्टिकोण में सीधी बात है, ये एक प्रतिशोध है और कुछ भी नहीं है, कोई बड़ा अपराध फेक न्यूज फैलाना एक अपराध है, इतना बड़ा अपराध नहीं है कि उस पर NSA लगा दिया जाए, लेकिन हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु जैसे स्थिर राज्य को आप अशांति फैला रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार बहुत गलत किया है मनीष कश्यप को, लेकिन हम लोग जहां तक से जानते हैं जितना उनके साथ हो रहा है ना उतना भी बड़ा उन्होंने अपराध नहीं किया। लेकिन रोड सड़क नली के स्वास्थ्य और शिक्षा पे बात नहीं किया जाता है, सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अरे सबको देखिए सस्ती TRP लोकप्रियता चाहिए, यहाँ पे बागेश्वर धाम आए हैं, यहाँ पे मैं कहूँ कि बागेश्वर धाम खूब अच्छे हैं जी, तो भाई सबको पता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आके दो गाली हम दे के इनको चले जाए, यहाँ पे डर है, हो सकता है गुस्सा के हमको पीट दे, हो सकता है कुछ हो जाए, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग उसको देखेंगे ना, सोशल मीडिया पे व्यूज तो जाएगा, तो सबको यहाँ पे सस्ती लोकप्रियता और सस्ती TRP चाहिए, बाकी सब लोग उसी तरीके से काम। एक बात और, सच को सच कहने की हिम्मत किसी में नहीं है, सीधी बात। और जो रोड सड़क नली और गली का समस्या पे बात करता है उसको कहीं ना कहीं डर बना रहता है,
जो स्वास्थ्य पे बात करता है, चाहे शिक्षा बात करता है, कोई भी स्कूल जाने में, अभी के लोग जब से मनीष कश्यप के एफआईआर दर्ज हुआ वो जेल गए, कहीं ना कहीं हमें भी डर लगा रहता है, इनको भी डर लगा रहता है, इनको भी डर लगा रहता है। इस पे आपका क्या कहना चाहिए? ये डर बना रहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूंगा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है जी, कोई डरने की जरूरत जी। हमारा काम है सवाल पूछना, वो हम पूछेंगे, वो हमारा अधिकार है, कोई हमसे नहीं छीन सकता। अगर आप हमको पत्रकार नहीं मानते तो एज अ हम आम नागरिक पूछेंगे, एज अ यूट्यूबर पूछेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम सवाल पूछना बंद कर दें तो ये आपकी गलतफहमी है, वो बंद नहीं होगा। अच्छी बात है, ये भी बताया जाता है बाहर से धमकियां मिल रहा है, मैं किसी पर्सन का नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये भी सवाल जवाब करते हैं। जिस तरह से मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया गया, उस तरह के सारे पत्रकार को जेल में डाल दिया जाएगा, ये क्या होगा या नहीं होगा? अरे ये कहीं ना कहीं डरा रहे, धमका रहे। देखिए हम ये कहेंगे कि किसी मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिशों में तो गिद्दड़ भी घेर लेते हैं शेर को। तो आपका दिन आया है, उठाइए मौका, कल हमारा भी दिन आएगा, तब हम भी पूछेंगे, उस समय चियार के भाग मत जाइएगा। और दूसरी बात यह है कि हम लोग डरने वालों में से नहीं है। हाँ, इस बात का डर है कि अगर जेल में गए 5 महीना के लिए रह गए तो 5 महीना फिर कैसे काम चलेगा, इस चीज का डर है। जेल में जाने का डर नहीं है, वहाँ ज्यादा वक्त रह जाने का डर है कि उतने समय में परिस्थितियां बिगड़ जाती है। आजकल के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो हाथ में 50 रुपया का माइक और 10,000 का मोबाइल लेकर रोडों पर निकल जाते हैं? हम कहेंगे बिना डरे अपना काम कीजिए, हाँ थोड़ा सा नॉलेज इकट्ठा करके कीजिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो दिक्कत है, अगर आपके पास नॉलेज है तो टोल टैक्स पे 10 सेकंड हम रुक जाएंगे तो थोड़ा हमसे कोई ले सकता है पैसा? नहीं ले सकता है। अगर हमें पता है कि वीडियो का क्या अधिकार होता है तो हम सवाल पूछेंगे। दिक्कत यह है कि कुछ लोगों के पास नॉलेज नहीं है फिर भी वो लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, तो अपना अधिकार पता होना चाहिए, अपने बात करने का लहजा और तरीका पता होना चाहिए, इसके बाद कोई कुछ नहीं फाड़ सकता, सब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मनीष कश्यप के जो ऊपर जो आरोप पे आरोप लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक तरह से साजिश है, सारे लोगों को पता होगा, उन लोगों को आप क्या कहना चाहिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? अरे शेर को कितने देर तक पिंजरे में कैद रखिएगा, एक ना एक दिन तो बाहर आएगा, जब बाहर आएगा तो दहाड़ सुन लीजिएगा। और कौन ऐसा नेता रहा है जो जेल में न रहा हो? हर कोई रहा है, तो मनीष कश्यप कोई लोग नेता ही न मानता है। कपिल सिब्बल 4 बार सुप्रीम कोर्ट में बोले कि मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है, मनीष कश्यप नेता है। तो नेता जेल में रह के आता है, उसको रहने दीजिए जेल में, जब बाहर आएगा तो दहाड़ सुन लीजिएगा। कहीं ना कहीं आपको लगता है मनीष कश्यप का जो कमेंट आता था वो भर भर के आता था, नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप, वो तो कहीं अखर नहीं आ गया उन लोगों को? अरे हर चीज का डर था। एक लड़का है जिसका झोपड़पट्टी का मकान है, कपड़े का मकान है, वो लड़का अगर तेजी से अपने दम पे आगे बढ़ेगा तो जलन तो होगी, सीधी बात है, और यही जलन मुख्य रीजन है। अगर तो भी नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर ये लोग, बहुत लोग कहते हैं कि भाजपा का एजेंडा मनीष कश्यप चला रहा है, अगर भाजपा का एजेंडा मनीष कश्यप चला रहा होता तो भाजपा आराम से एनएसए हटवा देती। केंद्र सरकार का अधिकार होता है एनएसए एक्ट सेक्शन 21 कि वो अगर चाहे तो आराम से एनएसए हटा सकती है, केंद्र सरकार का अधिकार है, लेकिन भाजपा ने कहां सहयोग किया, एनएसए तो लगा ही रह गया ना। अच्छा बात है सर, आपको डर लगा रहता है, जैसे कि आप एक तरह से बेबाक तरीके से, एकदम स्पष्ट तरीके से कोई भी बात को रख देते हैं, आपको दिल में डर नहीं लगा रहता है हम भी कभी जेल चल जाएंगे? जिस तरह से रवि भट्ट पे जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुआ, उसको प्रशासन खोज रही है, ढूंढ रही है। देखिए डर, हाँ, मनीष कश्यप के बाद डर बस इस बात का लगा रहता है कि गलती से कुछ गलत ना बोल दूं। सवाल पूछने से डर नहीं लगता, वो तो हम करेंगे ही, वो तो हम पूछेंगे ही, हाँ, अधिकार क्षेत्र से बाहर न चले जाएं और गलती से कुछ गलत न बोल दें, बस इस बात का डर है, बाकी और किसी चीज का डर नहीं है। और गलत करने का डर होना चाहिए, अगर आप गलत खबर फैला रहे हैं तो आपके ऊपर केस होना चाहिए। हाँ, वो उसके मैं वो खिलाफ में नहीं, तो समझिए कि बिल्कुल ही गंदी है व्यवस्था, एकदम बढ़िया नहीं है, कम से कम प्रशासन को सहयोग करना चाहिए था। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के तरफ से सहयोग मिला नहीं, वो सहयोग मिलना चाहिए था, कम से कम ट्रैक्टर वगैरह से पानी गिराना चाहिए ताकि धूल ना उड़े, फ्रिज वगैरह सॉरी कूलर वगैरह हर जगह लगा देना चाहिए था, कम से कम ये चीज चाहिए था। और जहाँ पे इतनी पब्लिक आ रही है तो सबका सेवा करना और सबकी व्यवस्था का ध्यान रखना, ये सरकार का काम होता है। लेकिन आप लोगों को तो पता ही है कि तेज प्रताप यादव जी खिलाफ में थे, अब तेज प्रताप यादव सरकार में है, वही खिलाफ में है, तो कहाँ से व्यवस्था बढ़िया हो? बागेश्वर बाबा जो बिहार में आए हैं, इनका आने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? अरे बाबा हैं, घूम घूम के कथा कहते हैं, बहुत जगह कथा कहे हैं, बिहार में भी कहना चाह रहे थे, बिहार के पागलों से भी रूबरू होना चाह रहे थे, वो हो गए रूबरू, उनको पता चल गया कि बिहार में सच में बहुत पागल है।
बोले कि भीड़ कम कीजिए, फिर भी भीड़ उतनी ही ज्यादा है, शाम होते होते और ज्यादा हो जाएगा। उनका एक साजिश भी है कि मैंने बहुत लंबा हो गया। भैया आप उसी बिरादर से हैं जी, मनीष कश्यप के ऐसा नहीं हो सकता, आपके साथ भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम लोग वीडियो कटिंग करके डिलीट किया जाता है, आपके साथ भी हो सकता है। मनीष कश्यप को आपको भी साथ देना होगा, गलत आदमी। बिल्कुल सब लोग साथ दे रहे हैं, ठीक है, हम सब उनके साथ, ठीक है। हमारे साथ पब्लिक प्लेटफॉर्म के कुमार अभिनव भैया थे, उनसे हमारी खास बातचीत हुई। आप क्या सोचते हैं इस बातचीत के बारे में, अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टीवी टाइम्स के लिए मणिकांत कुमार, जय हिंद।